आज ये ज्ञापन दिया हमने कलेक्टर साहब को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई से, जो अत्याचार हो रहा है, रास्ते में चलती हुई गाड़ियाँ उनकी गोलियाँ चला रही है, तो फिर हमारा क्या होगा? जब इतने ऊंचे मतलब बहुजन समाज के वो हमारे नेता हैं, हमारे युवा दिलों की धड़कन है वो, हम सब के मतलब, तो उन पे जब गोलियां चल रही है, फिर हमारा क्या हाल होगा? तो हम ये कहना चाहेंगे सरकार से, वो जो खाजवाड़ा मेट्रो हुआ उसके बारे में भी आप कुछ दिया है क्या? क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में आप? उसके बारे में भी तो हम यही कहना चाहते हैं कि महिलाओं पे और बहनों पे और जो भैया हमारे जो काम कर रहे हैं देश के हित के लिए, इन पे कभी अत्याचार नहीं होगा और नहीं हम होने देंगे। तो उसके बाद में हम ना सड़कों पे उतरेंगे, अगर आज तो उनको सुरक्षा मिल जाएगी तो ठीक है, वरना हम बहनें महिलाएं सब मिलकर सड़कों पे उतरेंगे। देखिए, जो वहाँ खाजवाड़ा में जो वो कांड हुआ है, पुलिस कर्मी जो रक्षक की भक्षक बन गए हैं, और उससे पहले जो पूर्व SHO रहा है विक्रम चौहान, उसके बारे में भी कोई ज्ञापन दिया है आपने? उसके बारे में भी तो हम ज्ञापन नहीं दिया, तो हम देते ही रहते हैं ज्ञापन, तो और दे देंगे और क्या है। और महिलाओं पे तो हमें रोज ही अत्याचार होते हैं और सहने ही पड़ते हैं, तो आज हमारे भाई है, हमारे रक्षा तो वही करते हैं ना, हमारे समाज के भी समझ लो, चाहे हमारे युवा समझ लो, हमें वो राजनीतिक से कोई मतलब नहीं है, कोई पार्टी से हमें कोई लेना देना नहीं है, और हम तो सब मिलके ना एकजुट होके हमारे भाई का साथ देंगे। और सड़कों पे भी उतरे, मेरा नाम संजना महिचा है, जिला चूरू, भीम आर्मी की संगठन प्रभारी हूँ।